ये बीमारी कहने के किसान को खुद को पहचानने का भी मौका दे रही है। अच्छी अच्छी किताबें पढ़ना हमें इन दिनों, अपने अंदर की अच्छी अच्छी जो खूबियां है उसको उभार के ले आना है। आप सभी लोग सोच रहे होंगे ना कि सब लोग घर पे सोच रहे होंगे कि जितने भी पेशेंट है वो जल्दी से जल्दी ठीक होके घर आ जाए। सब लोग चाहते, कोई नहीं चाहता अपने परिवार से दूर रहना। कोई भी 14 दिन तक हम एक दिन भी कोई हॉस्पिटल में रहना नहीं चाहता। कोई नहीं चाहता कि उसका ट्रीटमेंट हो, हम परिवार से दूर रहे। तो सब लोग अभी चिंतित होंगे, इस क्षेत्र के लोग डर में जी रहे होंगे कि कहीं हमें ना हो जाए, हमें ना हो जाए। लेकिन देखिए, पवित्र शास्त्र बहुत अच्छी बात कहता है कि वह तुझे बहेली के जाल से और हर एक मरी से बचाएगा। तो हमारा ईश्वर जो है वह हमें हर एक मरी से बचाता है और हर एक बहेली के जाल से। ये महामारी कोई बड़ी चीज नहीं है उसके सामने। बस रहता है कि हम अपने बुरे कामों से अपने मन को फिराए और अपना ध्यान उस सृष्टिकर्ता की ओर लगाए, तो सारी बातें मिलके फिर भलाई को ही उत्पन्न करती है आखिरी में। तो चलिए हम मिलके गीत गाएंगे। एक गीत ये ईश्वर के लिए होगा समर्पित, ठीक है? वो ईश्वर जो सृष्टि करता है, ना मेरा ना आपका, बट वो सबका है। इज द क्रिएटर फॉर ऑल, इज द ऑलमाइटी। वो सर्वशक्तिमान, उसने सारी मानव जाति को बनाया, बस इंसानों ने उसको इधर उधर डिवाइड करके रखा है, बाकी वो एक है। इज वन, इज सेवियर। तो एक गीत गाऊंगी मैं और फिर आप भी रिपीट करना मेरे साथ। बचा ले मेरे लोगों को, बचा ले मेरे शहर को, बचा ले मेरे लोगों को, बचा ले मेरे शहर को, बुरी आदत से, बुरे विचारों से, पाप से और श्राप से, बुरी आदत से, बुरे विचारों से, पाप से और श्राप से, बचा ले मेरे।